वर्ल्ड वॉर टू के समय दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ने बनाया था। इस प्रोजेक्ट को द मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। यह प्रोजेक्ट अमेरिकन फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर लीड कर रहे थे। इनको फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब का क्रेडिट दिया गया था। इस प्रोजेक्ट में 130,000 लोग शामिल थे, जिसमें पूरे वर्ल्ड के ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे। 16 जुलाई 1945 में सुबह 5:29 पे न्यू मेक्सिको के डेजर्ट में एटॉमिक बॉम्ब की पहली टेस्टिंग हुई, जिसका कोड नेम था ट्रिनिटी, जिसमें दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेसफुली डेटोनेट हो गया था। एक्सप्लोजन के बाद ओपेनहाइमर के दिमाग में भगवद गीता में लिखे गए शब्द याद आ गए, वो ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के पीछे बहुत से रीजंस थे। अमेरिका को डर था कि नाजी जर्मनी उनसे पहले न्यूक्लियर वेपन ना बना ले, और मेन रीजन यूएसए का मानना था कि वो न्यूक्लियर वेपन से वर्ल्ड वॉर टू को जल्दी खत्म कर सकते हैं। और पहला बॉम्ब लिटिल बॉय उन्होंने हिरोशिमा जापान पे गिराया, और दूसरा फैटमैन बॉम्ब उन्होंने नागासाकी पे गिराया। इस हमले में लाखों लोगों की जान गई और वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई।